सब अपना अपना काम छोड़ो और तुरंत भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। बढ़ी हुई है दादी की धड़कनें, कहीं हो ना जाए कोई अपशगुन। और जब वहाँ से निकलेंगे तो फिर से फोन करेंगे, तब तुरंत हल्दी की तैयारी शुरू करो। और एक कार्तिक है जिन्होंने लगा रखी है सिर्फ नायरा के नाम की धुन। कार्तिक, जैसे बेचारे आशुओं की मदद करना तो आपका काम है। फाइनली वो दिन आ ही गया है जिसका इंतजार कार्तिक और नायरा कर रहे थे तारे गिन गिन। आज है कार्तिक और नायरा की शादी का दिन। सारी रस्में हो चुकी हैं, इंतजार बस शाम का है जब कार्तिक नायरा साथ फेरे लेंगे। लेकिन ट्विस्ट का अड़ंगा यहाँ भी फंसा हुआ है, क्योंकि शादी से पहले कार्तिक और वेदिका का तलाक भी होना है। तभी तो दादी की धड़कनें काफी बढ़ी हुई हैं। कोर्ट जाने से पहले दादी नायरा के पास जाना चाहती हैं। अब हम निकलते हैं, जैसे ही हम कोर्ट में पहुंचेंगे और किट्टू और वेदिका जज के सामने जाएंगे, हम तुम्हें फोन कर देंगे। तुम सब अपना अपना काम छोड़ो और तुरंत भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। और जब वहां से निकलेंगे तो फिर से फोन करेंगे, तब तुरंत हल्दी की तैयारी शुरू करो। हम आते ही किट्टू को हल्दी लगाएंगे और फिर वही हल्दी नायरा के लिए भिजवाएंगे, ठीक है? लेकिन लगता है कि दादी आज कुछ ज्यादा ही हड़बड़ाहट में हैं। तभी तो देखिए ना, जल्दबाजी में अपने ही पैर पर चोट लगवा बैठी। दादी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जरा सा पैर हो गया, कुछ नहीं, चलो चलो चलो। दादी नायरा के पास जाने की जिद पर अड़ी है, लेकिन कार्तिक अपनी कसम देकर दादी को रोक लेते हैं। दादी, पापा सही कह रहे हैं, वहाँ सिर्फ मेरी जरूरत है और किसी की, और मैं तो जा ही रहा हूँ। किट्टू, बस दादी प्लीज, और कुछ मत कहिए, आपको मेरी कसम, किट्टू एक शब्द नहीं, और मैंने कह दिया ना बस। लेकिन कार्तिक के जाने से पहले दादी उन्हें ये समझाना नहीं भूलती कि आज के दिन वो इतना डरी हुई क्यों है। नहीं जाते आप, पर बेटा तुम इतना याद रखना, आज तुम्हारी शादी है और वो सिर्फ तब हो सकती है जब तुम्हारा वेदिका के साथ डिवोर्स हो जाएगा। इतने लंबे वक्त से जो लड़ाई हम सब खुद से दूसरों के साथ लड़ रहे हैं ना, उसका आज अंतिम दिन है। तुम्हें कुछ देखना चाहते हैं बेटा? सब ठीक, बस अपना ख्याल रखिए। वहाँ सिंघानिया हाउस में भी सुबह सुबह काफी रौनक जमी है। भाई, बारात के स्वागत की तैयारियाँ सुबह सुबह से ही शुरू हो गई है। तेरे बालों पे फूल-फूल मैं गूंथती हूँ, फिर पीली साड़ी तुझे मैं खुद हाथों से पहनाऊँ जिसपे मैंने गोटा ताका है। बस फटाफट इन कार्ड्स पे ना नाम लिख दूँ। तभी वहाँ वंश और गायु के साथ कार्तिक भी आ पहुँचते हैं। कहना पड़ेगा, कार्तिक बाबू अपनी नायरा से मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। या एक्चुअली बहाना तो ये था कि दादी को यहाँ ला रहे, दादी को छोड़ना और गायु को भी छोड़ना है यहाँ पे, उनका घर तो एक दो दिन रुकने के लिए, तो वो एक बहाना बन जाता है। दादी के पैर में चोट आ जाती है, दादी नहीं आ पाती, बट शी इज़ वेरी वर्ड। दादी को बहुत टाइम से इंट्यूशन हो रहे कि कुछ गलत हो सकता है, बट कार्तिक इज अगेंस्ट इट, इज सेइंग कि नहीं नहीं ठीक है। उनका वरी होना भी ठीक है, डरना भी ठीक है, क्योंकि इतना कुछ हो चुका है, यू नो ऑलमोस्ट 5.5 साल से कार्तिक नायरा अलग है, और सो दिस इज क्वाइट नॉर्मल टू बी वरीड एट दिस टाइम। तो यहाँ पर वो आए हैं इस बहाने से, और नायरा को लेकिन नायरा सामने, लेकिन कार्तिक की आंखें तो सिर्फ अपनी नायरा के दीदार के लिए तरस रही हैं, और नायरा है कि सोफे के पीछे छिपी बैठी है। कार्तिक, मुझे से बेचारे आशिकों की मदद करना तो आपका काम है, अरे सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे, एक बार मेरी नायरा की झलक दिखा दीजिए तो एहसान हो जाएगा। नायरा चाहे कहीं भी छुप जाए, कार्तिक उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। सुबह
सुबह लुका छुपी की तो और क्या करें, खुद को देखो मुझे। क्या हो गया तुम्हें? देखो तुम मेरी बात का बिल्कुल गलत मतलब निकाले। मेरे बोलने का बस इतना मतलब था कि कहां एक तरफ तुम और कहां मैं। क्यों? क्या खराबी मेरे साथ? खबरदार, उसके लिए एक शब्द। उसका मजाक तो क्या खराबी मेरी नायरा? उसका भी मजाक में उड़ा था। खबरदार जब मेरी नायरा के बारे में एक शब्द। और फिर दोनों के बीच शुरू हो जाता है आंखों ही आंखों वाला रोमांस। So yes, also a cute moment, जैसे हम टेबल के नीचे हमेशा क्यूट मोमेंट करते हैं, इस बार सोफे के पीछे क्यूट मोमेंट है। तो बेटर हो जाओ भाई। फिलहाल तो कार्तिक और नायरा इश्क की चाशनी में डूबे हैं, लेकिन बहुत जल्द नायरा का एंग्री शेरनी वाला अवतार देखने को मिलेगा, वो भी वेदिका को। अब देखना ये है कि अपनी परिवार की खुशियां बरकरार रखने के लिए नायरा वेदिका की साजिशों को कैसे करती है नाकाम। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।